अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ई अर्निंग में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हमने स्टॉक एक्सचेंज के जिन टॉपिक्स पे बात करनी है वो दर्ज ज़ैल हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम टॉप ट्रेडिंग कंपनी को किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी की ट्रेडिंग आज के दिन में सबसे ज़्यादा हो रही है। दूसरे नंबर पर हम ये देखेंगे कि हम किसी एक इंडिविजुअल कंपनी की प्रोफाइल को कैसे विज़िट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, और देन हम देखेंगे कि हम एक कंपनी के शेयर्स को दूसरे कंपनी के शेयर के साथ कंपेयर किस तरह से कर सकते हैं। तो चलें हम अपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की डाटा पोर्टल की तरफ चलते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें हम डाटा पोर्टल पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह की एक वेबसाइट का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो इसमें हमने सबसे पहले जो देखना है कि वो कौन सी कंपनी है जो टॉप ट्रेडिंग कर रही है, जिसके शेयर्स की खरीदो फरोख्त सबसे ज़्यादा हो रही है। हम स्क्रॉल डाउन करते हुए जब नीचे जाएंगे तो हमारे पास इस तरह की एक मार्केट वॉच का टैब हमें नज़र आएगा, और यहाँ से बेसिकली हम देखेंगे कि कौन सी कंपनी की ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा हो रही है। इसमें थोड़ी सी अगर हम चेंजिंग कर लें, अगर हम चाहते हैं कि तमाम कंपनी जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं उनका डाटा हमें शो हो, तो हमें किसी किस्म की सेटिंग को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि KSE 100 इंडेक्स वाली कंपनीज़ को देखें, तो यहाँ से हम इंडेक्स वाले कॉलम पे जाके क्लिक करेंगे, KSE 100 को सिलेक्ट करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ एक सेक्टर के परफॉर्मेंस के बारे में देखें, तो यहाँ से हम कोई भी एक सेक्टर चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि KSE 100 में तमाम मिक्स कंपनी जो भी सेक्टर्स हैं वो तमाम आ जाएं, तो हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे और यहाँ से 100 करके हमारे पास जो एक लिस्ट ओपन हो जाएगी वो पूरी टॉप 100 कंपनीज़ की लिस्ट हो जाएगी जिनकी ट्रेडिंग हो रही है एक दिन के अंदर। तो हम सबसे पहले जो देखेंगे कि टॉप वॉल्यूम किस कंपनी का है, तो वॉल्यूम देखने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है। वॉल्यूम के नीचे हम देखेंगे तो सब पे टॉप पर जो है वो पेल है, कंपनी है जिसके शेयर की लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस थी वो 16.29 रुपये और उनकी ओपनिंग प्राइस भी 16.29 रुपये थी, और आज के दिन ये सबसे ज़्यादा 16.80 रुपये तक गया है और सबसे कम जो है वो 16.17 रुपये तक गया है। तो इस तरह जो आप करंट उसकी सिचुएशन जा रही है वो 16.29 रुपये उसकी मार्केट की वैल्यू चल रही है। तो अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो इसके वॉल्यूम तकरीबन 12,25,000 के करीब इसके शेयर की खरीदो फरोख्त हो चुकी है। इसी तरह ये हमारे पास डिफरेंट कंपनीज़ के बेसिकली ये कंपनी के सैम्पल्स हैं, ये कंपनी का नाम नहीं है, ये कंपनी के सैम्पल्स हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो यहाँ से पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया कि हम कंपनी की जो टॉप ट्रेडिंग होगी उसको सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ चलते हैं कि हम किसी एक कंपनी की प्रोफाइल को कैसे विजिट कर सकते हैं। ये हमारे पास कंपनीज हैं, हम जिस कंपनी की प्रोफाइल को विजिट करना चाहते हैं उसको यहाँ से जस्ट हम क्लिक कर, हम पहल की ही चलते हैं, इसको देखते हैं कि इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास डाटा पोर्टल के ऊपर एक नई लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब ये देख लें, हमारे पास एक ग्राफ भी शो हो रहा है जिसमें हमारे पास डे की ट्रेडिंग से लेके सारा दिन की ट्रेडिंग का हमारे पास डाटा मौजूद हो रहा है, मौजूद है कि इनकी हाईएस्ट प्राइस कहाँ तक गई है और लोएस्ट प्राइस कहाँ तक गई और इसका जो शेयर प्राइस क्लोज कहाँ पे हुई है। अच्छा, इस पे मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, अब ये जो होती है ये उसकी करंट प्राइस होती है कि मार्केट में जो करंट प्राइस क्या चल रही होती है। यहाँ पे चेंजेस परसेंटेज है कि कितना परसेंट चेंज हो गया लास्ट डे से ट्रेडिंग के दौरान। अच्छा, उसके बाद हम ये ओपन प्राइस कि जब मार्केट ओपन होती है तो ये 16.29 रुपये पे इसकी मार्केट ओपन हुई। मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा क्लोजिंग प्राइस और ओपन प्राइस किस तरह से डिसाइड करती है, स्टॉक एक्सचेंज में डिसाइड होती है, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही समझ लें कि ओपन प्राइस से मुराद जब स्टॉक एक्सचेंज अपने ऑपरेशन स्टार्ट करती है, हाई प्राइस से मुराद एक दिन में जो हाईएस्ट जो प्राइस उस शेयर की गई है वो ये है, लोएस्ट प्राइस ये गई है और उसका वॉल्यूम ये है। सर्किट ब्रेकर, अब सर्किट ब्रेकर के बारे में अगर आपको थोड़ा सा बताता चलूँ तो सर्किट ब्रेकर बेसिकली ये होता है कि जब प्राइस पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड की जो प्राइस है वो 16.15 रुपये 7 पैसे से कम होगी या 17.51 रुपये से ज़्यादा होगी तो ये सर्किट ब्रेकर ऑन हो जाएगा, इसमें हम ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे। डे रेंज मैं आपको बता चुका हूँ, हाई और लो इसकी डे रेंज होती है, 52 वीक्स रेंज,
कि इसका शेयर अगर हम 52 वीक्स में बात करें तो 14 रुपए से लेके 35 रुपए तक ये ट्रेड हुआ है। वीवो कम से कम 14 रुपए तक गया है एक साल के अरसे में और ज़्यादा से ज़्यादा 35 रुपए में। अब यहाँ से अगर देखा जाए कि अगर हम लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। अगर अब हम 16 रुपए का शेयर लेते हैं तो ये डबल एक साल में ये हमारे पास डबल इसकी प्राइस वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आस्क प्राइस और आस्क वॉल्यूम और बिड प्राइस, आस्क प्राइस इस पे मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि ये आस्क प्राइस क्या होती है, आस्क वॉल्यूम क्या होता है, बिड प्राइस क्या होती है और किस तरह से हम ये कर सकते हैं। अब हमने देखना बेसिकली ये है कि इसका फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। किसी एसी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं और जानते हैं कि जब हम इन्वेस्ट करने लगें तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो जिस चीज़ को हमने अपने माइंड में रखना है वो अर्निंग पर शेयर है, कि एक कंपनी की अर्निंग पर शेयर कितनी है, वो अर्निंग पर शेयर ग्रेजुअली कम हो रही है, बढ़ रही है या किस साइड पे वो जा रही है। अब ये देखें, इसकी अर्निंग पर शेयर जो है वो 3.11 रुपए है, वो 2021 में है, 2020 में कोरोना की वजह से 0.36 है, 2019 में भी 27 पैसे हैं और 2018 में 28। अब अगर आप इसको ग्रेजुअली देखें तो इन 2 सालों में इसकी अर्निंग पर शेयर कम थी लेकिन 2021 में बेहतरी की तरफ जा रही है। तो ये सबसे पहला पॉइंट होगा कि हमने देखना है। उसके साथ साथ हमने सेल देखनी है कि कंपनी की सेल ग्रेजुअली बढ़ रही है या कम हो रही है। 2023 में सेल इसकी तकरीबन 23 लाख के करीब थी, 19 में 22 हो गई, फिर 28 हो गई और 2021 में 42 लाख के करीब तकरीबन इसकी सेल वॉल्यूम है। तो ये सेल भी अच्छी, इसकी अच्छी इम्प्रूव हो रही है। अब इसका अगर हम ग्रॉस नेट प्रॉफिट की तरफ चलें तो नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखें तो इसका ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इसका ग्रेजुअली नहीं है। 2019 और 20 में थोड़ा सा 2% का चेंज आ सकता है, उसके बाद 2021 में अच्छा खासा इसने प्रॉफिट अर्न किया था। अगर हम इसके पे आउट्स की देखें तो तकरीबन ये डिविडेंड, अगर आप इसकी ये लिस्ट देख लें, ये 12% डिविडेंड, 15%, 17% के अच्छा खासा ये डिविडेंड दे रही है। 17 में भी डिविडेंड दिया, 18 में भी दिया, अब 19 और 20 में इसने डिविडेंड नहीं, 21 में भी नहीं दिया, अब 7 फरवरी 2022 में इसने डिविडेंड डिक्लेयर किया है तकरीबन 72% एट प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर, कि इसने 4% जो है आप कह लें कि पर शेयर 4 रुपीज का इसने डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया था। तो ये चंद एक बातें होती हैं जिसको हमने देखना ज़रूरी होता है। एक सबसे पहले अर्निंग पर शेयर, दूसरे नंबर पे सेल, तीसरे नंबर पे इसके वॉल्यूम कि कितना सेल परचेज हो रही है, और इसी प्रोसेस को हम फंडामेंटल एनालिसिस भी कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि कंपनी के शेयर्स को, एक शेयर को दूसरे शेयर के साथ कंपेयर किस तरह किया जा सकता है। उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, sarmaya.pk। ये वेबसाइट बहुत ज़बरदस्त है, इस पे हमें बिटकॉइंस के बारे में, डॉलर के बारे में, गोल्ड के बारे में रेट पता चलता रहता है जो लोग इस चीज़ों में ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ KSE 100 पे है, तो हम KSE 100 की तरफ चलते हैं। वेबसाइट ओपन होती है, नेट थोड़ा सा स्लो है, वेबसाइट ओपन हो गई, ये हमारे पास वेबसाइट ओपन हो गई है। इसमें हमने जिन चीज़ों के बारे में देखना है वो हमने सिर्फ और सिर्फ आज की वीडियो में इनको क्या कह सकते हैं, कंपैरिजन की तरफ जाना है कि सिर्फ हमने स्टॉक को कंपेयर करना है। तो इसके लिए हम स्टॉक पे क्लिक करेंगे, स्टॉक पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास कंपेयर स्टॉक है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक हमारे पास एक नया डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें हम कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस कंपनी के शेयर्स को हम कंपेयर करना चाहते हैं। मसलन हम वर्ल्ड टेलीकॉम है, वर्ल्ड कॉल है, इसको हम कंपेयर करना चाहते हैं हम के साथ। मतलब ये है कि अगर आप एक सेक्टर को दूसरे सेक्टर के शेयर के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। इस तरह हम बैंक का भी एक ले लेते हैं और एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का ले लेते हैं शेयर के, उसकी शेयर की वैल्यू क्या है। तो ये उनके शेयर की वैल्यू, फार्मास्यूटिकल ओपन नहीं हो रहा तो ये ओपन हो गया है, ये इलेक्ट्रो केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड, इनके शेयर को देख लेते हैं। ये देखें, इसमें हमें तमाम चीज़ें डिटेल में मिल जाएंगी। करंट प्राइस इनकी ये है, वॉल्यूम इनका, सेल वॉल्यूम इनका ये है, शेयर्स की टोटल तादाद इनकी ये है, उसके बाद कितना इसका रिस्क है, बीटा जो बेसिकली हमें रिस्क को बताता है, तो 2% रिस्क है, ये 2.2 है, 0.92 है, तो इस रिस्क फैक्टर भी बता देता है। 52 वीक्स का हाई लो भी हमें बता देगा, ये भी हम यहाँ से देख सकते हैं। इसी एक ही वेबसाइट पे हम तमाम चीज़ें देख सकते हैं।
अर्निंग पर शेयर हमें मिल सकती है, इसमें बुक वैल्यू का पता चल सकता है। इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि बुक वैल्यू क्या होती है, वो किस तरह से डिसाइड करती है कंपनी, डिविडेंड किस तरह देती है, ये तमाम चीज़ों के बारे में आपको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये जो वेबसाइट है इस पर आप थारोली अगर आप चाहें तो इसका एनालिसिस कर सकते हैं। लिक्विडिटी रेशियो आप देख लेते हैं कि इसका कितना है लिक्विडिटी रेशियो, जिस कंपनी की लिक्विडिटी रेशियो जितनी ज़्यादा, एसेट्स जितने ज़्यादा होते हैं हमें उन कंपनी में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट ज़्यादा हो सकते हैं, जिनमें कम होती है उनमें हमें प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम होता है। तो ये वो चंद एक चीज़ें हैं जो आज की वीडियो में हमने डिस्कस करनी है। इंशाल्लाह मेरे साथ जुड़े रहिए, मज़ीद आपको बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बताता रहूँगा और स्टॉक एक्सचेंज के बारे में डीपली हम स्टडी करते रहेंगे ताकि एक आम पर्सन भी अपनी थोड़ी सी एनालिसिस करके कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम।